ब्लू एक्सप्रेसवे पर नसीरपुर थाने के समीप अचानक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में लगभग 15 यात्री घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में उपचार के बाद उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नसीरपुर के समीप अचानक बीती रात रोडवेज बस पलट जाने से लगभग 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर थी और अन्य को हल्की चोटें आईं, जिन्हें स्थानीय शिकोहाबाद अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे एसएसपी और उनकी टीम ने आनन फानन में राहत कार्य सघन कराए और साथ ही उस बस को भी क्रेन द्वारा हटवाया गया। हुआ है कहाँ पर और क्या कितने इंजर्ड हैं? ये बस का एक एक्सीडेंट हुआ है जो हमारा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है। करीब 2:30 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, जिसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। ये बस प्रतापगढ़ से गुड़गांव की तरफ जा रही थी और बस में करीब 50-60 यात्री सवार थे। और जो इसके एक परिचालक ने बताया है कि जो गाड़ी चला रहा था, ये अचानक उसको नींद आ गई और उसके बाद ये बस डिवाइडर पर जा करके चढ़ गई और उसके बाद वहीं से ये पलट गई है। इसमें करीब 15 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति जिसको फ्रैक्चर आया है, बाकी अन्य सभी लोग की हालत ठीक है। उनको तत्काल अस्पताल में बुला के उनको उपचार दिया गया, वो धीरे धीरे लोग अपने घरों पर जा रहे हैं। अन्य जो लोग थे उनको उनके गंतव्य बाकी अन्य बसों में बैठा के रवाना किया जाता है। सर, ये लगभग कितने बजे का हादसा हुआ? करीब 2:30 बजे रात का हादसा ही।